उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत के बेतुके बयान को लेकर राजनीतिक में गहमा गर्मी देखने को मिल रही है, गर्माहट देखने को मिल रही है। देहरादून में सीएम के बयान के बाद से कांग्रेस हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर जुबानी वार करते हुए कहा है कि उत्तराखंड को त्रिवेंद्र और तीरथ जैसे रत्न देने के लिए उत्तराखंड की जनता कभी बीजेपी को माफ नहीं करेगी। भारत पर अमेरिका का 200 साल राज करना और दो बच्चे पैदा करने वालों ने समय पर 20 बच्चे पैदा क्यों नहीं किए जैसे शर्मनाक बयान देने पर तंज कसा है। बात नहीं हो सकती। राज्य के मुख्यमंत्री आज जिस प्रकार का भाषण उन्होंने रामनगर में दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने बच्चों के बारे में आपदा में राशन वितरण और उस राशन वितरण में दो बच्चे और 20 बच्चे और दो बच्चे वालों को ये तोहमत कि तुमने दो बच्चे क्यों पैदा किए, 20 बच्चे पैदा क्यों नहीं किए, 20 बच्चों वालों से क्यों जल रहे हो, अगर उनको राशन एक क्विंटल मिल रहा है और तुमको 10 किलो मिल रहा है इसलिए कि तुम्हारे दो बच्चे हैं उनके 20 बच्चे हैं तो आपका कसूर है। आपने दो बच्चे पैदा क्यों करे, जब समय था तब आपने 20 बच्चे पैदा क्यों, ये सलाह दे रहे हैं मुख्यमंत्री। राज्य को किस तरफ ले जाना चाहते हो, फटी जींस के बाद 200 साल आप ये बता रहे हो कि अमेरिका ने राज किया भारत के ऊपर, मतलब मुख्यमंत्री प्रदेश का जो इस प्रदेश में सबसे पहला शिक्षा मंत्री भी रह चुका है, जब राज्य बना तो अंतरिम विधानसभा बनी, अंतरिम विधानसभा में जो अंतरिम सरकार नित्यानंद स्वामी जी के नेतृत्व में बनी उसमें तीरथ सिंह रावत जी इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे। उनकी धर्मपत्नी प्रोफेसर साहब ने भी फटी जींस के मामले में उनके बचाव में बड़े अच्छे अच्छे तर्क उन्होंने दिए, लेकिन क्या आपने ये नहीं बताया कि इस देश में 200 साल अमेरिका ने राज किया या 200 साल अंग्रेजों ने ब्रिटेन ने राज किया, ये आप नहीं बता पाए उनको। 200 साल अमेरिका ने राज किया और उसके ऊपर आप उनके बचाव में जिस प्रकार से पूरी ट्रोल सेना पूरी आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी की लगती है, मैं समझता हूं ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक बात है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से आप उनका बचाव कराओगे। ये बार बार स्लिप ऑफ टंग हो रहा है क्या, बार बार जुबान फिसल रही है क्या?